संभल की सदर कोतवाली में घुसी एक भैंस ने कोतवाली में जमकर उत्पात मचवाया। भैंस ने आसपास खड़े वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। तस्वीरें भी सामने आई है। यहाँ पर बाइक से आ रहे एक दारोगा को भी भैंस ने पटक दिया। बाद में बामुश्किल भैंस को काबू करके दारोगा को मुश्किल से बचाया गया। मामला रविवार की शाम का बताया जा रहा है, जब अचानक एक भैंस उधर कोतवाली में घुस आई और वहां खड़े पुलिस के वाहनों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और इसके कुछ ही देर बाद कोतवाली में तैनात दारोगा शिव प्रताप अपनी बाइक से आ रहे थे। दारोगा की नजर उस भैंस पर पड़ी, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो खुद को जब तक बचा पाते भैंस ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। भैंस ने चलती बाइक से उनको पटक दिया और इससे पहले आसपास खड़े और भी लोग उन्हें बचा पाते, भैंस ने उन्हें अपने सिंह पर उठाकर जमीन पर रखेड़ना शुरू कर दिया। बाद में कई पुलिस वालों ने उन्हें बचाने की कई कोशिशें की। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश लगातार पुलिसकर्मी करते रहे, तब जाकर कहीं भैंस ने उनको छोड़ा और दारोगा जी की जान बच पाई। यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई चोटें भी यहाँ पर इन दारोगा को आई होंगी। और ये तस्वीरें संभल की है, वाहनों को भी इस भैंस ने नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद यहाँ पर दारोगा अपनी बाइक से आ रहे थे, उनको भी लथेड़ना शुरू कर दिया अपने सिंह से। हालांकि वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें बचाने की लाख कोशिशें की, लगातार पुलिसकर्मी कोशिश करते रहे और उसके बाद दारोगा जी को बचाया जा सका। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि तस्वीरें सामने आई है, एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, गंभीर चोटें हालांकि आई होंगी दारोगा जी को, क्या जानकारी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कल 11 बजे का मामला है। उस समय संभल कोतवाल में जो पुलिस फोर्स तैनात थी वो मुहर्रम के जुलूस में शहर में लगी हुई थी। उससे पुलिस कर्मी थे, इस दौरान जो था एक तरीके से मतलब इलाके में कोई अवैध तरीके से किसी भैंस में काटा जा रहा था, वो उस कोतवाली में अचानक गुस्सा आया। उसने काफी तरीके से बिल्कुल कारों में तोड़फोड़ की, दरोगा घायल कर लिया। इसे दरोगा जो है उसकी काफी हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो है एसपी यमुना प्रसाद ने इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं कि इलाके में पाबंदी के बावजूद अवैध तरीके से भैंस का कटान किस तरीके से किया जा रहा था, इसको लेकर के इलाके का जो बीच का सिपाही है और जो वहाँ के कांस्टेबल हैं, दरोगा हैं, उनको तलब किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सुनील, सवाल यही है कि ये कोतवाली के अंदर जो कैंपस है वहाँ का ये मामला है, अगर ऐसे ही मवेशी बाहर हैं और वो अगर लोगों पर हमला करते हैं तो वाकई बेहद गंभीर विषय है, सोचना होगा वहाँ पर लोकल प्रशासन को भी इस मामले को लेकर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें एसपी यमुना प्रसाद संभल कोतवाली पुलिस के साथ कई दिन से यहाँ पर इलाके में मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे और लोगों के साथ ये ताकीद कर रहे थे, कहीं भी किसी भी तरीके इलाके में कोई घटना सामने ना पाए और कोई भी पशुओं को अवैध कटान ना हो। लेकिन इसके बावजूद एक पशु को अवैध कटान के होने के दौरान वहां से भागना, कोतवाली में घुसना, एक बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। इसको एसपी यमुना प्रसाद काफी गंभीरता से ले रहे हैं और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होना। इस चीज के लिए क्या सुनील कोई प्लानिंग बनाने की तैयारी है, क्या किया जाएगा आगे, जो लोकल प्रशासन है उनकी तरफ से अब कोई मुहिम चलाकर, क्योंकि हमने देखा है कई क्षेत्रों में जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो वहां का नगर निगम एक्टिव होता है और फिर ऐसे मवेशियों को कांजरी हाउस तक पहुंचाने की भी कोशिश की जाती है, गौशालाओं तक भी पहुंचाने की कोशिश की जाती है।